नूर, तुम्हें फ्लैट दिया है, 5 करोड़ दिए, और क्या दे? 5 करोड़? जी अबू, सिर्फ 5 करोड़, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। नूर, ये उन लोगों का बड़ापन है। नहीं, ये उन लोगों की कंजूसी है। अरबों की प्रॉपर्टी में से एक फ्लैट और 5 करोड़, बस। वैसे अबू बताए मुझे कि बेवा का हिस्सा चौथा होता है 8वां? बेटा ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या वास्ता इन बातों से? मैं सोच रही हूँ कहीं मेरे साथ मैडम फारूकी ने ज्यादती तो नहीं की। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? नूर मेरी बात सुनो, हमें ये सब कुछ उन्हें वापस कर देना चाहिए। हाँ नूर बेटा, हमें ये सब कुछ वापस कर देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। बस अल्लाह से खैर की दुआ मांगनी चाहिए। नहीं, मगर मुझे चाहिए। लेकिन नूर, इस कदर लालची है औरत, बेवा होकर भी इतनी खुश है। वो सिर्फ यहां दौलत के लिए आई थी, अरसन से मोहब्बत नहीं थी उसे। बस अल्लाह से ये दुआ करो कि मेरा बेटा जहां भी हो सुकून से हो। मैंने सिर्फ अपने बेटे की खातिर उस लालची औरत को यहां से बिना किसी भी हसरत के रुखसत की। साईं, बेटा हो सके तो अतिया का बहुत ख्याल रखा करो, वो बहुत हसास है और उसकी मोहब्बत बेलौस है। सिर्फ वही तो बची है इस घर में, कि सारा घर तो बिखर गया। अब जो कुछ बचा है ना, तुम्हें उसे बिखरने से बचाना। जी अम्मी। पता नहीं नूर ने अथिया को जूस में मिलाकर क्या पिलाया था कि उससे उसकी सेहत पर बहुत बुरे असरात हुए थे। जी, और डॉक्टर के कहने पर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा था। ऑपरेशन? डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो उसकी जान को खतरा था, जहर फैल जाता था। और मुझे अथिया की जान बचाने के लिए उनकी बात माननी पड़ी। की जान तो बच गई, लेकिन अब उस सारी जिंदगी मां नहीं बन सकेगी।